वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कई अहम फैसले किए गए। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर मैपिंग टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए एक कमेटी बनी, दो दिन में मिलेगी रिपोर्ट। दिल्ली में ज्यादा टेस्ट होंगे, 20 जून से रोजाना 18,000 टेस्ट की तैयारी। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की कमी दूर होगी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना पर सीएम योगी ने की रिव्यू मीटिंग, टीम 11 के साथ लखनऊ में हालात पर चर्चा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कैमरामैन कोरोना से संक्रमित, तमिलनाडु के सीएम का इवेंट कवर करता था। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से जुड़े दो कर्मचारी लापता, सीआईएसएफ के हैं दोनों कर्मचारी। भारतीय उच्चायोग ने पाक अफसरों को दी खबर, संपर्क की कोशिशें जारी। हाल में पाक में भारतीय उच्चायोग के अफसर का किया गया था पीछा, सामने आया था वीडियो। दिल्ली में कोरोना 41,000 के पार, अब तक 1,327 की मौत। देश में जारी है कोरोना का कोहराम, 3,32,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 325 की गई जान, अब तक 9,500 से ज्यादा मौत है। महाराष्ट्र में 3,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा 1,07,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 120 मरीजों की मौत, इनमें सिर्फ मुंबई में 79 की मौत। सुशांत का अंतिम संस्कार आज पवन हंस शमशान में होगा, पिता और परिवार पहुंचे। सुशांत की बहन ने पुलिस को बताया आर्थिक तंगी नहीं थी, एक हफ्ते से सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी। बहन के मुताबिक डिप्रेशन का चल रहा था इलाज, सुशांत ने कुछ दिनों से दवा लेनी बंद कर दी थी। सुशांत के फोन से तलाशे जाएंगे सुराग, सुसाइड से पहले किया था दो दोस्तों को फोन। सुशांत के करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से होगी पूछताछ, पुलिस की राय आर्थिक तंगी नहीं थी वजह। भोपाल में आज धार्मिक स्थल खुले, सीएम शिवराज ने किए करुणा धाम आश्रम के दर्शन। झारखंड में पति से नाराज पत्नी ने तीन बच्चों संग कुएं में लगाई छलांग, दो की मौत। कर्नाटक के बेलगाम में किराया नहीं मिलने से भड़का मकान मालिक, हवाई फायरिंग की। असम के नौगांव में पुलिस ने पांच युवकों को हथियार समेत दबोचा, जमीन कब्जा करने के लिए आए थे। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में चोरों का आतंक, 8 गाड़ियों की बैटरी की चोरी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।